हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, क्या हाल चाल है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो गाइस, अभी हम कॉलेज से एजुकेशन टूर पे जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल था उसके लिए हम लोग टूर पे जा रहे हैं अभी, और देखते हैं आज के टूर में क्या क्या होता है पूरे कॉलेज। सो गाइस, अभी हम तैयार होके घर से निकल चुके हैं, अभी चौक पे जाने वाले हैं और वहाँ पे से बस आएगा और बस पे जाना है। तो अभी प्रोजेक्ट भी मेरे को सबमिट करना है, मैं बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गया था तो आज जा रहा हूँ तो उधर ही सबमिट भी कर दूँगा। बस आता है उसके बाद वहाँ का वीडियो आप लोग वहाँ से बने रहना चैनल पे, मेन मज़ा वहीं से आएगा। So guys, we are going. हम यहाँ कॉलेज आइसक्या छौँ र अहिले क्लासमा बसिरहेका छौँ र एलइडी सरले हुन्छ होला, त्यही भएर सबैलाई यहाँ बसाइरहेको छ। यस्तै तब के हुन्छ अनि यहाँबाट अब हामी सबैजना निस्किने हो, अनि त्यसपछि बाटोमा के हुन्छ सबै म सो गाइस, हामी यहाँ बसिरहेको छौँ अहिले अनि लेट्स सी अब अगाडि ब्लगमा के हुन्छ म सबै हेराउँदैछु। अनि अहिले यहाँ पहिला एटेन्डेन्स हुन्छ अनि त्यसपछि सबैलाई बसमा लानुहुन्छ। लेट्स सी यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे मूत्र विसर्जन करने के लिए सब रुका है। मत ये देख सकते हो यहाँ पे सब लोग मूत्र विसर्जन चल रहा है पूरा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कर रहा है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ये लोग से पूछने के लिए। नहीं तो सर, आपको ये मूत्र कैसे लग रहा है? बहुत आनंद फील हो रहा है सच में। सच में बहुत। तो आप लोग देखिए, हम लोग घूमने आए हैं और ये देखिए लड़का लोग पूरे एकदम मस्त से घूम रहा है और यहाँ पे किसी एक गाड़ी की नहीं आने की वजह से जो है ना आ रहा है। मतलब देखिए, मतलब यहाँ पे पूरे एकदम सब फोटो पे बैठा हुआ है। और ये वो लड़कियाँ हैं जो मतलब कॉलेज में हम लोग पहचान नहीं पाते थे, और आज मेकअप में देखिए यार कितना खूबसूरत लग रही है सब लोग। ये हमारे कॉलेज का एक ओनर है, ये हमारे सर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। इसके देखिए चेहरे पे मेकअप देखिए देखिए यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। लाइन बचाओ ना, आओ छोड़ी क्या वीडियो कॉल में जकरा देखाओ छ कहीं फोन करे। अरे छोड़ा, अरे अरे तीन मुद्रा खा बैठे नहीं आ रे, मैं आसरा खड़ा छोड़ा यार यार यार। सो गाइस, हम यहां आइस लगे छम अनि यो हाम्रो कोशीको सबैभन्दा ठुलो पाइप बनाउने फ्याक्ट्री आएका छौँ हामी, अनि यहाँ चाहिँ यो पाइपहरू बन्छ यहाँ हेर्नु सबै पाइप बन्यो यहाँ, अनि फेरि यहाँ पानी डालेर पाइप पाउने हो। यो चाहिँ आफै बिस्तारै गइरहेछ, बिस्तारै। यही पाइप हो जुनबाट हर्के सम्पाङ ज्यूले अक्षतवाहरूले त्यसको पाइप काटेर उसको पानी जाने मतलब बिगार दियो, अनि त्यसपछि धेरै नै गाह्रो भयो। नेपालमै सबभन्दा दह्रो क्वालिटीको भन्ने यही हो। धारामा पानी ल्याउन जुन पाइप प्रयोग गरिरहेछ नि यतैबाट होला, यहीबाट लगेको पाइप चाहिँ म भनेको छु तब कतै हाल्नको लागि 12 घन्टा हिट दिनु पर्छ, 12 घन्टा त्यत्तिकै हिट दिएर चलाइराख्नु पऱ्यो, 12 घन्टा पछाडिदेखि मात्रै पाइप उत्पादन आकार।
यो बाहिरबाट आउँछ होइन, एचबिटी भन्छ, एचबिटी र मेटेरियल भन्छ, अब त्यो आफ्नो आफ्नो हुन्छ, एलबिटी भन्छ, टिबिसी भन्छ, त्यो आउँछ, बेग्ला बेग्लै आउँछ, हामीलाई पनि सबै कुरो थाहा हुँदैन है, है अफिसको हो या फ्याक्ट्रीको होइन, त्यसले गर्दा सबै कुरो स्थापना गरेर 2034 सालमा स्थापना भएको टिम टिमले बाँटेको होला नि त्यो काम, यो टिमले यति गरोस् यो टिमले यति गरोस् गाइस। यहाँ यहाँ चाहिँ सबको पाइप 12 घन्टा जति यसलाई पहिला पखाल्छ होइन आगोमा तताएर, अनि त्यसपछि मात्रै यसमा के अरे यो सामान बन्नलाई रेडी हुन्छ होइन। As you can see here, man, the first time we have seen this, it's like this. Hello, sir. Raw material, like I said, raw material, sir. Here, go. अनि यसैलाई फेरि पकालेर यसमा मसिनमा हालेर फेरि यसलाई पाइप बनाउने काम प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अनि सबै यहाँको टेम्परेचर हेर्न सक्नुहुन्छ, यत्रोको राखिएको छ यसलाई पकाल्नलाई। अनि यी मसिन हो जहाँ सबै प्लास्टिकहरू दिएर उसलाई पकालेर अनि त्यसलाई फेरि मेटेरियल्समा कन्भर्ट गर्छ। सो गाइस यहाँ पे हम लोग पूरा मतलब घूम चुके हैं, अब वो थोड़ा मोड़ा बात है जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। वो आप लोगों को पता है किस चीज से बनता है, देखिए मैंने हाथ में लिया हूँ, इस चीज से बनता ये है, मेटेरियल से बनता है ये पाइप, आप जितना देख रहे हैं सब मेटेरियल में ले रहे हैं। और नेपाल का सबसे बड़ा जो पाइप होता है ना, मोटा मतलब मोटाई में भी और लंबाई में भी जो पाइप होता है ना वो यहीं पे बनता है। क्वालिटी प्रोडक्ट और जो ये क्या बोलता है, देख सकते हैं मेड इन यूए, यहाँ पे देख सकते हैं बनता है नेपाल में और ये मेड इन यूए लिखा है। ये नेपाल का चुतिया बनाने का निंजा टेक्निक आप लोग समझ सकते हैं। सिकवा बनाने का तैयारी चल रहा है। सो गाइस यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा था अभी मैंने सुना। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पूरा घूम चुके हैं और क्या क्या होता है थोड़ा मोड़ा बाकी है, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़ हम लोग छोड़ दिए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट था वहाँ हम लोग आप लोगों को दिखा दिए हैं। यहाँ पे मुरी का फैक्ट्री क्या लिखा, चावल का घरेलू उद्योग, घर का सामान घरेलू उद्योग, चावल के बन्छ होला। अब यो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरौँ, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब गरो सब मिलके। तो मेरा दोस्त का जो यूट्यूब च्यानल है आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाम गई न त मासूम आलम ब्लॉग।